Why these five bikes are best for highway riding, city riding and commuter section. So आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसी बाइक्स के बारे में जो कि इन तीनों पैरामीटर्स पे अच्छी हैं, चाहे आप हाईवे राइडिंग करें, सिटी राइडिंग करें या कम्यूट करने के लिए बाइक यूज़ करें। सो गाइज, अगर इन बाइक्स के बारे में आपको सब कुछ जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर पाँच पर अपने आप को पोजिशन कर रही है पल्सर 220F। ये एक सेमी फेयरिंग की बाइक है जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, बहुत नॉन एग्रेसिव बाइक है। यही वजह है कि इस बाइक को लोग टूरिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। इस बाइक में आपको 220 सीसी का इंजन मिलता है, जिसका मैक्सिमम जो आउटपुट है, मैक्सिमम पावर आउटपुट है 21 BHP का, और मैक्सिमम टॉर्क मिलता है 19 Nm का। इस बाइक में आपको 5 गियर स्पीड के साथ ट्रांसमिशन मिलता है। और अगर बात करें इसके इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में, तो आपको मिलता है प्रोजेक्टर हेडलाइट, LED टेल लाइट, और साथ में आपको नॉर्मल इंडिकेटर्स मिलते हैं। अगर बात करें इसके कूलिंग सिस्टम के बारे में, तो आपको ये बाइक ऑयल कूल सिस्टम के साथ इंस्टॉल मिलेगी। साथ में इस बाइक का एवरेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस बाइक में आपको 36 to 40 किलोमीटर का आपको एवरेज मिलता है, और ये बाइक आपको ऑन एवरेज हाइट वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है। इसका सीट हाइट है 790 mm। ब्रेकिंग सिस्टम में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है विद रियर एंड फ्रंट डिस्क, जिसका फ्रंट डिस्क है 260 mm का एंड रियर डिस्क है 230 mm का। इस बाइक में आपको फ्रंट में मिलता है 90/90 सेक्शन का टायर, एंड रियर में मिलेगा 120/80 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर। इसमें आपको सेमी डिजिटल कंसोल मिलता है। अब मूव करते हैं इस लिस्ट के फोर्थ नंबर बाइक की तरफ, जो कि एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है, और ये बाइक है यामाहा फैमिली से। इस बाइक का नाम है MT15, जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये बाइक नॉन एग्रेसिव है। अगर बात करें इस बाइक के इंजन के बारे में, तो इसमें R15 V3 वाला इंजन यूज़ किया गया है 155 cc का, लेकिन इसका जो इंजन ट्यूनिंग है इस बाइक का, ऐसे किया गया है कि ये बाइक एक टोटली अलग बाइक की तरह एक्ट करती है। इस बाइक में आपको मैक्सिमम जो पावर मिलता है 19 BHP का मिलता है, और मैक्सिमम टॉर्क 14.7 Nm का। इसमें आपको VVA जैसे अच्छे फीचर्स मिलेंगे, और जो इसका VVA है वो एक्टिव हो जाता है 7400 RPM पे। इस बाइक में आपको फ्यूल इंजेक्शन, लिक्विड कूल्ड इंजन, और ये बाइक आपको 6 गियर स्पीड के साथ ट्रांसमिटेड मिलेगी। वहीं पे अगर आप बात करें इसके कर्व वेट का, तो इस बाइक का कर्व वेट है 138 किलोग्राम, तो आपको पावर टू वेट रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, यही वजह है कि इस बाइक का टैंक भी काफ़ी मस्कुलर नहीं है। नंबर थ्री पे अपने आप को पोजीशन कर रही है KTM फैमिली से KTM ड्यूक 200। अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये एक ऐसी बाइक है जिसका लो एंड परफॉर्मेंस, टॉप एंड परफॉर्मेंस, दोनों परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। अगर बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो आपको मिलता है 199 cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन, जिसमें आपको मैक्सिमम जो पावर मिलता है वो 24.6 BHP का मिलेगा एट 10,000, और जो इसका मैक्सिमम टॉर्क है वो 19.2 Nm है एट 8,000 RPM। बात करेंगे अगर आप इसके फ्यूल सप्लाई की, फ्यूल टाइप की, तो इसमें आपको फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलेगा विद लिक्विड कूल्ड कंप्लायंट। साथ में आपको जो सीट हाइट मिलती है इस बाइक की, वो थोड़ी सी ज़्यादा है। इस बाइक की सीट हाइट है 810 mm, 810 mm की सीट हाइट है इस बाइक में। अगर आपकी हाइट 5'8" से कम है, तो थोड़ा सा आपके लिए अनकम्फर्टेबल हो सकती है बाइक इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द बाइक, क्योंकि हाइट की जो है बाइक की थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर बात करें इस बाइक के एवरेज के बारे में, तो ये बाइक एवरेज देती है 32-35 km/L। साथ में अगर कर्व वेट देखें इस बाइक का, तो आपको मिलता है 148 किलोग्राम का कर्व वेट। अगर पावर टू वेट रेशियो भी निकालेंगे, तो काफ़ी अच्छा पावर टू वेट रेशियो मिलता है आपको इसमें, क्योंकि इसका पावर जो है वो 24.6 BHP का है। इस बाइक में आपको फ्रंट एंड रियर दोनों जगह डिस्क मिलता है। फ्रंट डिस्क का जो साइज़ है वो है 300 mm, एंड रियर में जो डिस्क है उसका साइज़ है 230 mm। इस बाइक में आपको जो बेस्ट पार्ट है वो इसका सस्पेंशन, आपको फ्रंट में अप साइड डाउन सस्पेंशन मिलता है USD फॉक्स, एंड रियर में आपको मोनो शॉक सस्पेंशन मिलेगा। अगर बात करें इस बाइक के टायर साइज़ की, तो आपको फ्रंट में मिलता है 110/70 सेक्शन का टायर, एंड रियर में आपको 150/60 सेक्शन का टायर मिलता है। इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा, और ये बाइक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ आती है। दो इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है। अगर बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के डिटेल्स के बारे में, तो आपको मिलता है डिस्टेंस टू एम्प्टी,
आपको रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी मिलता है और साथ में आपको इंजन टेम्परेचर गेज भी दिखेगा आपको, एंड आपको इसमें गियर इंडिकेटर जैसे फीचर्स भी दिखते हैं इसमें। अब बात करते हैं इस लिस्ट के सेकेंड नंबर बाइक की तरफ। सो सेकेंड नंबर पे अपने आप को पोजीशन कर दिया बजाज पल्सर NS200। NS200 स्ट्रीट फाइटर सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बाइक रही है। इस बाइक में मिलता है आपको 199cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन, साथ में जो मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन इस बाइक का वो है 23 BHP एट 9500 RPM, और मैक्सिमम टॉर्क मिलता है 18.3 Nm का एट 8000 RPM। इस बाइक का टॉप एंड परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और अब जो BS6 वेरिएंट है उसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन मिलता है 6 गियर स्पीड के साथ ट्रांसमिटेड। इस बाइक में आपको कूलिंग सिस्टम लिक्विड कूल सिस्टम मिलेगा, और इस बाइक का जो टैंक वो मस्कुलर तो है लेकिन फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है इस बाइक में। इस बाइक में आपको 12 लीटर्स का फ्यूल कैपेसिटी मिलता है, जो समवेयर अराउंड आपको माइलेज मिलता है 30-35 km/L का। वहीं पे इस बाइक का जो कर्व वेट है 152 kg है, और इस बाइक का सीट हाइट 805 mm की है। सो आपको ऑन एवरेज अगर आपकी हाइट 5'7" भी है तो आप ये बाइक राइड कर पाएंगे, 5'7" 5'6" तक आप आराम से राइड कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। आपको फ्रंट एंड रियर दोनों जगह डिस्क ब्रेक मिलता है। अगर बात करें फ्रंट डिस्क की तो फ्रंट डिस्क का डायमेंशन है 280 mm, 280 mm का डिस्क मिलता है आपको फ्रंट में, एंड 230 mm का डिस्क मिलता है आपको रियर में विद सिंगल चैनल ABS। अब बात करते हैं इसके टायर डायमेंशन के बारे में। आपको मिलता है 100/80 सेक्शन का फ्रंट टायर, एंड जो रियर टायर है वो मिलता है 130/70 सेक्शन का। इस बाइक में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा, जहां पे आपको ट्विन ट्रिप मीटर मिलता है, ओडोमीटर मिलता है, स्पीडोमीटर एंड टेकोमीटर, साथ में आपको क्लॉक भी दिखता है इस बाइक में, मतलब स्पीडोमीटर पर आपको क्लॉक भी माउंटेड है। अब बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर वन बाइक की तरफ, जो कि एक फुली फेयर्ड स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है, और ये बाइक आती है बजाज फैमिली से। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक ऑफ बजाज। इस बाइक का नाम है पल्सर RS200। इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा गुड स्टेबिलिटी मिलता है आपको एट हाई स्पीड, एंड इसका जो हेडलैम्प है वो एरोडायनेमिक शेप में आपको गुड कंट्रोल के साथ ये बाइक दिखेगी। इस बाइक में आपको अगर आप इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपको मिलता है 199cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि आपको NS200 में दिखता है। लेकिन जो इसके इंजन ट्यूनिंग है वो काफ़ी डिफरेंट की गई है, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स वर्जन की बाइक है, यहाँ पे आपको एरोडायनेमिक्स भी मिलता है और इंजन में ट्यूनिंग भी, तो इसका जो परफॉर्मेंस है स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम NS200। इस बाइक का जो मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन है वो है 24.5 PS एट 9750 RPM, और इस बाइक का जो टॉर्क है वो है 18.6 Nm का एट 8000 RPM। इस बाइक में आपको 12 लीटर्स का फ्यूल कैपेसिटी मिलता है और 810 mm का सीट हाइट। सो अगर आपकी हाइट 5'8" है तो ये बाइक आपके लिए कंपैटिबल है। साथ में आपको डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, और बात करें अगर आप इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में तो फ्रंट में मिलता है आपको 300 mm का डिस्क, एंड रियर में आपको 230 mm का डिस्क मिलता है। अगर बात करें इसके टायर डायमेंशन के बारे में तो आपको फ्रंट मिलता है 100/80 सेक्शन का टायर, एंड रियर में मिलता है आपको 130/70 सेक्शन का टायर। साथ में आपको LED टेल लाइट्स और इंडिकेटर्स जैसे फीचर्स दिखेंगे इस बाइक में। सो गाइस, ये थी वीडियो 5 ऐसी बाइक्स के बारे में जो आपको हाईवे राइडिंग, आपको कम्यूटर सेक्शन और आपको सिटी राइडिंग के लिए परफेक्ट बाइक हैं। इन तीनों कंडीशन में बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। सो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।